आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। मैंगो का सीजन शुरू हो गया है तो अब मैंगोज आने लगे हैं, तो आज मैं आम का हलवा बनाऊंगी आप लोग के लिए। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा मेरे को कि कैसा बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। उसके लिए मैंने ये एक कप सूजी ली है, एक कप ही मैंने आम का पल्प कर लिया है। मिक्सी में पीस लीजिए या हैंड ब्लेंडर से आप आम को पीस लीजिए। और ये एक कप से थोड़ी कम चीनी है क्योंकि आम भी मीठा ही होता है, इसलिए चीनी कम डालेंगे। और ये 2 टेबल स्पून घी है। तो चलिए अब बनाते हैं। इसके लिए हम पहले सूजी को अपने ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिना घी के। ये भी हलवा अपना बहुत कम घी में बनता है, ज्यादा घी नहीं लगता है इसमें भी। अब इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे सूजी को। ये देखिए अपनी सूजी लाल हो रही है, रंग चेंज हो गया है। अब इसके हम इसमें अपने घी डाल देंगे। ये देखिए सूजी अपनी कितनी अच्छी भुन गई है। अब इस टाइम हम इसमें अपना ये 1 कटोरी मैंगो पल्प ले लेंगे। इतना अच्छा येलो कलर आ गया है। अब साथ में इसमें अपनी चीनी भी 1/2 कटोरी डाल देंगे। वैसे तो हलवे में जितनी सूजी होती है उतनी ही चीनी पड़ती है, पर ये हम मैंगो का बना रहे हैं और आम अपने आप में ही मीठा होता है, तो चीनी अपने आपको जैसी चीनी घर में पसंद हो आप उस हिसाब से डालिएगा चीनी। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा दूध और डालेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए अपना कितना अच्छा हलवे का कलर आया है। बस 2 मिनट में जब घी छोड़ देगा हलवा, अपना हलवा तैयार है। ये देखिए हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है, कितना अच्छे से बन गया है हलवा अपना। और इसमें थोड़े से मैंने आम के पीसेस जब मैंगो को मैश किया था तब हल्के हल्के छोड़ दिए थे। वो हलवे खाते हैं ना तो उसमें आम के पीस आते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए अपना हलवा तैयार है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बन गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं।